हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे परकसन वेल्डिंग के बारे में। नाउ परकसन वेल्डिंग क्या होता है? ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक टाइप होता है जिससे कि दो डिससिमिलर मेटल्स को वेल्ड करते हैं। दो डिससिमिलर मेटल जैसे कि जिंक और स्टील, या फिर आप कह सकते हैं कि कास्ट आयरन एंड स्टील, ये दो डिसिमिलर मेटल हो गए। या फिर आप कॉपर वायर को नाइक्रोम के साथ अगर वेल्ड करना है तो हम परकसन वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम बना दिया है मैंने समझने के लिए आपको। ये देखिए, ये एक फ्यूज़ है। मान लीजिए अगर आप इससे, आपको एक वायर वेल्ड करना है, इसे ये वायर है, इसको अगर इससे वेल्ड करना है इन दोनों को एक साथ, तो उसके लिए हम परकसन वेल्डिंग यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये एक वायर जा रहा है, इससे स्विच जुड़ा हुआ है और ये पावर सप्लाई से जाएगा। पावर सप्लाई दूसरी ओर एक तरफ जो वायर है ये क्लैंप होगा, एक मूवेबल क्लैंप से ये मूव करेगा। ये वाला क्लैंप, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल दिखा दिया है मैंने, इस साइड से मूव करेगा ये, और ये फिक्स क्लैंप से जुड़ा होता है। तो ये इसका एक बेसिक डायग्राम है। नाउ परकसन का मतलब होता है दो चीज़ें जब साउंड के साथ टकराती हैं तो उसे परकसन कहते हैं। नाउ इसमें क्या होता है, इस वेल्डिंग में भी जब हम वेल्ड क्रिएट करा रहे होते हैं और जब ये वेल्ड आपस में जुड़ते हैं तो ये एक साउंड क्रिएट कराते हैं, इम्पैक्ट होता है इनके साथ, इसलिए इसका नाम परकसन वेल्डिंग है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि कैसे होता है ये प्रोसेस, उससे आप पूरी तरह समझ जाएंगे। ये एक डिटेल डायग्राम है, इसको समझते हैं कि कैसे होता है परकसन वेल्डिंग, आप इससे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब आप ये देखिए, ये एसी सप्लाई है, यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर है, ये क्या करेगा कि एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में चेंज कर देगा। नाउ ये हमने वन और टू दो नोड बना रखे हैं, यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है, ये मेन कैपेसिटर है, और यहाँ पे ये जो वायर आपको क्लैंप करना है वो वायर है, ये उसका क्लैंप है जिसको वेल्ड करना है वायर को, ये वो है, और ये वर्क है जिसके साथ वेल्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले वाले में बताया था वीडियो, पहले वाले फिगर में, कि एक तरह आप मान लो इसे फ्यूज़ है, फ्यूज़ को कॉपर वायर के साथ वेल्ड करना है, तो ये एक मूवेबल क्लैंप से जुड़ा होगा कॉपर वायर, और ये जो फ्यूज़ है उसको हम स्टेबल रखेंगे, इसको मूव नहीं कराएंगे, ये केवल मोशन में होगा। नाउ अब प्रोसेस देख लेते हैं कैसे होता है। पहले स्विच टू जो है वो ऑफ होगा, स्विच वन ऑन होगा। नाउ स्विच वन ऑन होगा, एसी सप्लाई ऑन होगी, तो यहाँ से एसी डीसी में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे मेन कैपेसिटर पूरा चार्ज होगा। नाउ मेन कैपेसिटर जब चार्ज हो जाएगा तो हम वन को ऑफ कर देंगे और टू को ऑन करेंगे जब वेल्ड क्रिएट कराना होगा। नाउ जब टू ऑन होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से हाई टेम्परेचर आर्क प्रोड्यूस होगा इन दो सर्फेसेस के बीच में। इसकी वजह से अब जो ही इसकी खास बात यह होती है कि ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होगा तुरंत इमिडिएटली एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, और प्रेशर अप्लाई करने की वजह से एक परकसिव इम्पैक्ट के साथ इससे टकराता है वो, आपका जो वायर इस वर्क पीस के साथ टकराएगा और एक साउंड क्रिएट होगा उस इम्पैक्ट की वजह से। और ये इतना फास्ट होता है कि आप ये पूरा प्रोसेस विद इन 16 मिली सेकेंड के अंदर ही सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ये आपका आर्क प्रोड्यूस होना और उसके साथ ही एक इम्पैक्ट के साथ इनमें वेल्ड होना, प्रेशर जो प्रेशर अप्लाई करने के बाद होता है, दोनों प्रोसेस इमिडिएटली होते हैं, तो ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, और इस इम्पैक्ट की वजह से इसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसे परकसन वेल्डिंग कहते हैं। ये एक इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नाउ गाइस, जो परकसन वेल्डिंग होता है ये फ्लैश वेल्डिंग और अपसेट वेल्डिंग से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। फ्लैश वेल्डिंग और अपसेट वेल्डिंग से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों होता है ये, इसका रीज़न आपको बताते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का यूज़ करके आर्क प्रोड्यूस करते हैं और उसके साथ ही इमिडिएटली प्रेशर अप्लाई करके वेल्ड को क्रिएट करा देते हैं, तो इसलिए ये प्रोसेस जो होता है एक ही स्टेज में कंप्लीट हो जाता है। नाउ फ्लैश वेल्डिंग में हमने पढ़ा था कि ये एक टू स्टेज प्रोसेस होता है फ्लैश वेल्डिंग। इसमें पहले इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएट कराते हैं, फिर इलेक्ट्रिक आर्क रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, और उसके बाद फिर प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ये टू स्टेज प्रोसेस होता है, ईजी होता है। नाउ दूसरी चीज़ ये होती है परकसन वेल्डिंग में कि आपके दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि अगर इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो
तो जैसा कि आपने आर्क वेल्डिंग के प्रोसेस में पढ़ा होगा कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन का एक बड़ा इशू आ जाता है। तो वहाँ पे आर्क वेल्डिंग में जनरली ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं हम कि कोई फिलर मटेरियल का यूज़ कर देते हैं या फिर किसी गैस का शील्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे तो कोई गैस की शील्डिंग नहीं हो रही है, कोई फिलर मटेरियल यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये कैसे ये पॉसिबल हो जाता है? तो ये गाइस इसका ये रीज़न है कि ये वेल्डिंग जो होती है, जैसे डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएट होती है और प्रेशर अप्लाई करने में इतना शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, मैंने बताया है कि ये 16 मिली सेकेंड से भी कम होता है, तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो नहीं पाता और इसकी वजह से ये वेल्डिंग पूरी हम कर लेते हैं बिना किसी फिलर मटेरियल के ज़रूरत के या फिर किसी ऑक्सीडेशन के डर से। नाउ परकसन वेल्डिंग के एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो पहला एडवांटेज ये होता है कि ये बहुत ही रैपिड प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में वेल्ड बनने के लिए 16 मिली सेकेंड से भी कम का समय लगता है। नाउ दूसरा इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि नो और वेरी लेस अपसेटिंग। नाउ अपसेटिंग क्या होती है ये आप समझिए कि आपने बोल्ट देखा होगा, बोल्ट कैसे बनता है अपसेटिंग प्रोसेस से। ये एक बिलेट है, इसे क्लैंप कर देते हैं और ये एक डाई होती है और इस डाई को मूव कराते हैं इस साइड पे। जब ये बिलेट के पास ये हॉट होता है बिलेट काफ़ी, जब ये डाई मूव करती है इसके अंदर और इसको हिट करती है तो इसका जो ये जो बिलेट का शेप है वो बोल्ट की तरह ऐसे हो जाता है। तो ये अपसेटिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको, अपसेटिंग प्रोसेस से ही इसका हेड बनाया जाता है। या फिर आपने देखा होगा कोई ऐसे ही कोई बिलेट है नॉर्मल सिंपल, ये बिलेट मीन्स सिंपली एक लोहे का छोटा सा रॉड समझ सकते हैं आप जिसका डायमीटर बहुत ही कम है। तो इसको अगर इस तरह का डायमीटर में चेंज करना हो इस तरह का, तो उसके लिए अपसेटिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि हिट करता है डाई और इसके डायमीटर को इंक्रीज करा देगा ना, क्योंकि इस प्रोसेस में भी एक इम्पैक्ट होता है और उस इम्पैक्ट की वजह से ये चांसेस होते हैं कि वो डायमीटर बढ़ा दे वायर का। ये वायर है, अगर ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करके हिट करेगा इसको और कोलिजन होगा तो फिर इसके चांसेस हैं कि ये यहाँ पे ये अपसेटिंग हो जाए। बट ये प्रोसेस इतना ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है कि इसमें अपसेटिंग के चांसेस या तो नहीं होते हैं या तो बहुत ही कम होते हैं। तो ये इसका एक बड़ा एडवांटेज है परकसन वेल्डिंग का। नाउ थर्ड एडवांटेज क्या है कि यूज़ फॉर मटेरियल्स दैट हैव स्मॉल क्रॉस सेक्शन। जनरली हमने बताया वायर्स के लिए यूज़ होता है, वायर्स को अगर कहीं वेल्ड करना हो किसी सरफेस से किसी और मटेरियल से तो इसका यूज़ करते हैं, तो स्मॉल क्रॉस सेक्शन के लिए यूज़ होता है। आर्क टेम्परेचर जो होता है इसमें प्रोड्यूस वो फ्लैश में बट वेल्डिंग से ज़्यादा होता है। फिफ्थ एडवांटेज है कि हीट ट्रीटेड पार्ट्स में भी वेल्डेड, हीट ट्रीटेड पार्ट को वेल्ड कर सकते हैं। और छठवां है कि हीट इज़ कंसंट्रेटेड इन टू ज्वाइनिंग सर्फेसिस ओनली। तो ये छः एडवांटेज हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और बना सकते हैं। नाउ इसका डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एक तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि इससे केवल बट वेल्ड ही क्रिएट हो सकता है। दूसरा है कि इसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। और तीसरा है कि जो ओनली स्मॉल एरियाज कैन बी वेल्डेड, बहुत ही स्मॉल एरिया ही वेल्ड हो पाता है इस मेथड का यूज़ करके। तो ये तीन इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। नाउ गाइस इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। पहला एप्लीकेशन है टेलीफोन इंडस्ट्री में, टेलीफोन इंडस्ट्री में ये काफ़ी यूज़ होता है। दूसरा है वेल्डिंग फाइन वायर्स लीड्स टू फिलामेंट इन लैम्प्स, लैम्प के फिलामेंट को वायर से अगर वेल्ड करना हो तो भी इसका यूज़ करते हैं। तीसरा है वेल्डिंग ऑफ डिससिमिलर मेटल्स, जैसे कि जिंक को स्टील से अगर वेल्ड करना हो, कास्ट आयरन को स्टील से मेल्ट करना हो या फिर कॉपर को नाइक्रोम से वेल्ड करना हो तो इस परकसन वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। तो ये इसके एप्लीकेशंस हो गए। थैंक यू गाइस।